तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैक्स लो वाली पे। दोस्तों देखो, फॉर्म 16 क्या होता है। आप अगर कहीं भी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, कहीं भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसको बोलते हैं फॉर्म 16। अब देखो फॉर्म 16 के अंदर क्या होता है, आपकी सारी डिटेल्स होती है, आपने कितनी इनकम कमाई है, आपके ईयरली इनकम का कैलकुलेशन होता है, आपकी अगर जितना टैक्स डिडक्ट हुआ है, कितना टैक्स आपने पे किया है, टीडीएस वगैरह की सारे डिडक्शंस होते हैं, अभी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। तो देखो फॉर्म 16 है जो, उसके हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होता है, आपका जो टीडीएस डिडक्ट होता है ना, वो आपका पूरा ओवरऑल आता है कि आपका क्वार्टर वाइज, एक क्वार्टर में आपका कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है। दूसरा है पार्ट बी। पार्ट बी में क्या आता है, आपकी सारी डिस्क्रिप्शन आती है। सपोज मैंने 1000 रुपए कमाए, तो 1000 रुपए प्लस में मेरे को ये एग्जम्पशंस मिली, फिर ये मुझे डिडक्शंस मिली, और फिर मेरी जो नेट टैक्सेबल इनकम है ये बनी, और उतना उसमें से मुझे इतना टीडीएस पे करना पड़ा। तो ये सारी आती है आपकी पार्ट बी में। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि पार्ट ए में कैसे डिटेल्स आती है और पार्ट बी में कैसे आती है। तो दोस्तों देखो, ये है हमारा फॉर्म 16 का पार्ट ए। पार्ट ए में क्या आता है, देखो आपके जो एम्प्लॉयर की डिटेल्स आएंगी, आपका एड्रेस आएगा और नेम आएगा, प्लस में जो आपका पैन है, जिस जो भी आपका एम्प्लॉयर है जिसने आपका टैक्स डिडक्ट किया है, उसकी डिटेल आएगी, पैन नंबर, टैन नंबर आएगा, एम्प्लॉय का पैन नंबर आएगा, फिर है असेसमेंट ईयर आएगा, जिस भी असेसमेंट ईयर का आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, पीरियड आएगा कब से कब तक का है। सपोज अभी जैसे हम फाइनेंशियल ईयर 24 की आईटीआर फाइल करेंगे, तो 23 से 24 की डिटेल आएगी। फिर उसके बाद हम नीचे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको ना क्वार्टर वन के वाइज, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, इस तरह से आपकी डिटेल्स मिलेंगे। आपके जो अमाउंट पेड क्रेडिटेड, मतलब जितनी सैलरी आपको पे की गई है ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, प्लस में आपका जो टैक्स डिडक्ट हुआ है, और उसके बाद है आपका जो अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, वो सेम ही होगा, ठीक है। फिर है हमारा फॉर्म 16B। ये पार्ट ए था, अब आपको पार्ट बी दिखा देते हैं। अभी ये पार्ट बी, पार्ट बी में देखिए आपकी वही सारी डिटेल आएगी, आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर आएगा, उसके बाद आपका जो एम्प्लॉय की डिटेल्स आएंगी, फिर आप नीचे जाओगे तो पैन डिडक्टर का, टैन डिडक्टर, डिडक्टर मतलब जो आपका टैक्स डिडक्ट करता है, मतलब आपका एम्प्लॉयर, ठीक है। उसके बाद आप नीचे और आ जाओगे, तो अगर आप फॉर्म 16B में देखोगे ना, आपको देखिए स्पेसिफिकली दिख रहा होगा कि आपकी जो सैलरी है, सैलरी आपकी इतनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे, देखो यहाँ पर ये रहे एग्जेम्पशंस दिए हुए, एग्जेम्पशन की डिटेल आ जाएगी। फिर उसके बाद आप और नीचे जाओगे, तो आपको दिखाई देगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शंस इतनी है। तो यहाँ पे ना देखो स्पेसिफिकली सारी डिटेल्स मेंशन है। अगर आपकी कोई डिडक्शन होगी ना, उसकी भी डिटेल आएगी यहाँ पर। अगर आप देख पा रहे होंगे कि 80C की डिडक्शन हो गई, 80CC की डिडक्शन, इन सब की डिडक्शंस आपको स्पेसिफिकली दिख रही है। फिर उसके बाद अगर और नीचे चलते हैं हम, तो और नीचे अगर आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिखेगी कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, यहाँ दिख रही है आपको टैक्सेबल इनकम, आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो इतनी है, और आपने जो टीडीएस हमारा डिडक्ट हो गया है वो 91,000। ये सारी डिटेल आपको फॉर्म 16 में देंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि कई केसेस में ना एम्प्लॉयर से आप फॉर्म 16 नहीं ले पाते, कोई भी केस हो सकता है, चाहे आपने जॉब चेंज किया, आपका कोई कनेक्शन नहीं है उस एम्प्लॉयर के साथ, या आप उससे मांगना ही नहीं चाहते, इतनी झंझटों में पढ़ना ही नहीं चाहते, तो क्या कर सकते हो आप, इनकम टैक्स से खुद ही अपना अपना जो फॉर्म 16 है वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। देखो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा अपना, फिर आपको जाना है ई फाइल के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, और यहाँ पर आपको दिख रहा है फॉर्म 26AS, इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है, ये आपको ट्रेसिस की वेबसाइट पे लेके जाएगा, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद सीधा आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आ जाना है आपको यहाँ पे टैक्स क्रेडिट पे क्लिक करना है, असेसमेंट ईयर आपका यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जैसे असेसमेंट ईयर हमारा क्या होगा 24-25 हो जाएगा इस बार का, ठीक है। उसके बाद आपको व्यू एज HTML व्यू एंड डाउनलोड करना है। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे आ जाना है, देखिए नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स दिखाएगा, कितना टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है, किसने काटा है, कौन कौन से मंथ में काटा है, ये सारी डिटेल है। लेकिन ये 26AS में अगर आप अपना फॉर्म 16 डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ये टैन नंबर दिया हुआ है देखिए एम्प्लॉयर का, तो आपको यहाँ से इसको क्या कर लेना, कॉपी कर लेना है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर दिख रहा है व्यू वेरीफाइड टैक्स क्रेडिट, आपको इस पे क्लिक करना है। आपको क्या दिख रहा है, प्रोविजनल टीडीएस सर्टिफिकेट 16A और 26-27D, आपको इस पे क्लिक करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे टैन का डिडक्टर का टैन, यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था
उसको आपको एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। कौन सा फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर 23-24 होगा, असेसमेंट ईयर 24-25। फाइनेंशियल ईयर से अगला जो साल होता है वो असेसमेंट ईयर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट टाइप, आपको कौन सा डाउनलोड करना है, 16 डाउनलोड करना है, 16A डाउनलोड करना है। 16A पे हम क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे आपको क्वार्टर भी मिल जाएगा कि आपका जो डिडक्टर होगा उनकी डिटेल आएगी, आपके जो डिडक्टी मतलब आपका हो एम्प्लॉय की डिटेल आ जाएगी। फिर आप नीचे जाएंगे तो वही सेम जो मैंने आपको फॉर्म 16 दिखाया ना वैसे ही आ जाएगा। अभी मैंने क्वार्टर वन का निकाला है, क्वार्टर वन का देखिए यहाँ से आपकी डिटेल आ गई है कि क्वार्टर वन में आपका कितना TDS डिडक्ट हुआ है। उसके बाद आप यहाँ से अपना डाउनलोड कर सकते हैं, इस तरह से आप अपना फॉर्म 16 निकाल सकते हैं। लेकिन आप यहाँ से 16A निकाल सकते हैं, जो 16B होता है वो आपका एम्प्लॉयर ही आपको इश्यू कर सकता है। लेकिन इस बेसिस पे भी आप कई बार TDS के जो कैलकुलेशन है वो आपको पता चल जाती है, कोई गलत नहीं होता ये भी, ठीक है। इस तरह से ये प्रोविजनल निकल जाएगा आपका, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। और हमने अगर आप हमसे कोई भी ITR से रिलेटेड कंसल्टेंसी या इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।